हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे चेहरे की स्माइल का क्या राज है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो कर रही हूं और ये पॉसिबल हुआ मेरी डॉटर की वजह से, क्योंकि उसने मुझे रिंग लाइट गिफ्ट की। और दिन में अभी आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, 6 डे वर्किंग है और एक दिन संडे को बहुत सारा काम हो जाता तो नहीं बना पा रही थी। अक्टूबर यानी कि मेरे बर्थडे के बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं किया और जितनी वीडियो गई हैं आप लोगों ने देखी हैं वो सारी शेड्यूल थी। अब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, कोई वीडियो नहीं था मेरे पास। तो मैंने कल ही ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे चेहरे की जो चमक देख रहे हैं वो सिर्फ रिंग लाइट की वजह से, अदरवाइज मैं डार्क कह सकते हैं या डस्की कॉम्प्लेक्शन है मेरा। मेरी एक्चुअल पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखी होगी, तो ये जो चमक रहा है फेस मेरा वो रिंग लाइट की वजह से चमक रहा। बहुत अच्छी रिंग लाइट है और इसमें कई तरीके की सेटिंग भी है, मैं दिखा देती हूँ। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं शॉर्ट में दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके तीन इसका मैं सेपरेट आपके लिए रिव्यू कर दूंगी, तो आप उसमें अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेज कर सकते हैं। बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस शैम्पू की, डैन फ्री शैम्पू, फ्रीडम फ्रॉम डैंड्रफ। ये एंटी फंगल शैम्पू है जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, इफेक्टिव रहा, तभी मैं आपके सामने रिव्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सेम एंटी फंगल शैम्पू का रिव्यू किया था, जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड ये भी कुछ वैसा ही है लगभग। सर्दियों में मुझे ड्राई स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है और स्किन में मेरे बहुत ड्राइनेस होती, स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती, जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता, ब्रेकेज होने लगता, तो मुझे ये यूज़ करना ही होता है। तो सिमिलर सॉल्ट में जो मेरा प्रीवियस शैम्पू था कैराग्लो एडी, वो भी सिमिलर सॉल्ट में ही था, तो वो इस बार मेडिकल स्टोर पर मुझे नहीं मिला। तो ये वैसे कोई भी मेडिसिन या शैम्पू ऐसा मेडिकेटेड यूज़ करते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करना चाहिए, बट मैंने उसी बेसिस पे यूज़ किया क्योंकि मुझे रेगुलर यूज़ करना होता तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि मुझे क्या सूट करता क्या नहीं। तो मैंने इसको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से ही लिया, बट आप जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, उनको दिखा लीजिए आपकी स्किन स्पेशलिस्ट जो भी है, उसके बाद आप लें। अदरवाइज़ मेरी स्किन ड्राई है या मुझे पता है कि मेरी स्किन कैसी है क्या सूट करे, बट आपको कुछ नुकसान ना हो इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरीके कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और सिप्ला कंपनी का ये मेडिसिन है, ये शैम्पू है। इसमें 100 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। MRP इसका 218 है और इसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला था। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाते तो 5 से 10% आपको ऑफ मिलता है। ओपन करके देखते हैं और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर है, तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी इसकी बची है, नेक्स्ट परचेज़ करना पड़ेगा क्योंकि अभी 1-2 महीने मुझे प्रॉब्लम रहेगा। ये जब मैं इसको परचेज़ करके लाई थी तब मेरे बालों में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बहुत थिक सी लेयर बन जाती है स्कैल्प पे, ड्राइनेस की एक पपड़ी सी बनने लगती है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है और अगर आप उसको खुजली करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। बट जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत रिलैक्स है और थोड़ा थोड़ा वो जो हार्ड लेयर होती पपड़ी की वो निकलने लगती है और धीरे धीरे करके सारी पपड़ी की लेयर जो आपके स्कैल्प में होती है वो रिमूव होती जाती है और आपकी स्कैल्प बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो अभी काफ़ी रिलैक्स है बट थोड़ी सी क्वांटिटी बची है। मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम है तो हम दोनों लोग ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए अभी कमी बचा, मुझे 1-2 बॉटल और लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक ये ड्राइनेस का प्रॉब्लम चाहे स्किन का हो, लिप्स का हो या हेयर का होगा ही। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है और आप डायरेक्टली इसको किसी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो काफ़ी थिक है ये। इसको यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका जो है, अभी तो सर्दियों का टाइम है तो इसको हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, फिर उसको शैम्पू मिक्स करके स्कैल्प पे अप्लाई करना है आपको, क्योंकि ये स्कैल्प को ट्रीट करता है, आपको बालों में अप्लाई नहीं करना है। बाल को चाहे गीला कर लीजिए और चाहे इसको पानी में घोल के फिर आपको अच्छे से पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करके 15 या 20 मिनट आपको छोड़ देना है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्कैल्प में, और आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है आपके बालों की, आपके स्कैल्प की, उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सके, उसको अच्छे से रिमूव कर सके।
जो ड्राइनेस है वो अच्छे से खत्म कर सके। एटलीस्ट आपको बालों पे 15 to 20 मिनट रखना है, उसके बाद आपके नॉर्मल शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ पूरे बालों को वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल या गुनगुने पानी से, या जैसे भी आप, आजकल तो वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो ठंडे पानी से कोई नहीं नहाता है, तो आप नॉर्मल जैसे नहाते हैं, जैसे वॉश करते हैं हेड को, वैसे कर सकते हैं। वीक में 2 बार लगाना सफिशियंट होगा, तो मैं भी 2 बार ही यूज़ कर रही हूँ उसको। एंड इस तरीके से आप जितनी जल्दी आप देखें इम्प्रूवमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो मुझे 1-2 महीने लगाना पड़ता है। और इसके साथ ये होता कि आपके बालों का, आपका जो स्कैल्प है वो ट्रीट होगा, तो आपका हेयर फॉल, डैंड्रफ और जो ब्रेकेज होता है वो भी कम होगा। मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था ये ड्राइनेस की वजह से ही। अभी हेयर फॉल भी थोड़ा कंट्रोल में है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि हेयर फॉल पूरा कंट्रोल हो जाता। अगर मैं बात करूँ पूरे ईयर की, तो कभी 1-2 मंथ ही ऐसा आता है कि जब 100% कंट्रोल हो जाता, अदरवाइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, वो भी जब प्रॉपर आप केयर करते हैं उसके साथ। ऐसा कभी नहीं होता कि 100% कंट्रोल हो जाए, प्रॉपर केयर करने के बाद भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या ड्राइनेस है या हैवी डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते। मेरी तरफ से 5 स्टार देती हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे दिखा नहीं। बट अगर आपको, आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है कि आपकी स्किन पे जल्दी से कोई भी प्रोडक्ट रिएक्ट करता है, तो आप मेडिकल स्टोर से ना परचेज करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें, उसके बाद जो सजेस्ट करें वो आप परचेज करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।